अस्सलाम वालेकुम मेरे डियर व्यूअर्स के लिए आज मैंने बनाए हैं टर्किश अदाना कबाब। बहुत ही मजे के होते हैं। इंशाल्लाह इस ईद पर जरूर बनाइएगा, खुद भी खाइएगा और अपने गेस्ट को भी खिलाइएगा। इंशाल्लाह बहुत तारीफ करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जरूर सब्सक्राइब करें और इस बेल के आइकन को भी जरूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको फौरन टाइम पे मिल सके। सबसे पहले एक चॉपर में मैं ऐड करूंगा 1/2 kg चिकन का कीमा। आप इसको बीफ या मटन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं। इसके ऊपर सबसे पहले मैं ऐड करूंगा सफेद मिर्च 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/4 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ धनिया 1/2 टेबल स्पून, जीरा 1 टेबल स्पून, बेसन भुना हुआ 2 टेबल स्पून, हरी मिर्च कुटी हुई 2 टेबल स्पून, लहसुन अदरक कुटा हुआ 2 टेबल स्पून, हरा धनिया बारीक चॉप्ड हुआ हुआ 2 टेबल स्पून, प्याज तली हुई 4 टेबल स्पून। बस इसको कवर करके 1 मिनट के लिए चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो चिकन के कीमे में ये सब मसाले ऐड करके हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। देखिए कबाब का मसाला अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अब इस मसाले के ऊपर मैं रख रहा हूँ एक जलता हुआ कोयला। उसके ऊपर ऐड करेंगे ऑयल और इसको कवर करके 15 मिनट के लिए रख देंगे। इसकी वजह से कबाब के अंदर एक बहुत अच्छी स्मोकी खुशबू आएगी। 15 मिनट बाद इसमें से कोयला निकालकर मैं इसको फ्रीजर में 1/2 घंटे के लिए रख दूंगा, जिसकी वजह से हमारा कबाब का मसाला बहुत अच्छा सा हार्ड हो जाएगा और कबाब बनाने में आसानी होगी। 1/2 घंटा हो चुका है और मैंने इसको फ्रीजर से निकाल लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगा मोजरेला और चेडर चीज, 100 ग्राम है और इनको मैंने श्रेड कर लिया है। इसको अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसके कबाब बनाने के लिए मैंने लिया है थोड़ा सा ऑयल। ऑयल को अपने फिंगर और हाथों पे इस तरह से लगा लेंगे। और एक मीडियम साइज के कबाब जितना मसाला लेकर हम उसको इस तरह की शेप दे देंगे। मैंने लिया है 1 स्पून जिसकी बैक साइड थोड़ी चौड़ी है। देखें इसको इस तरह से इस पर लगा देंगे। आप कबाब की ये शेप बनाने के लिए कोई स्केल, कोई चौड़ी शेप की स्टिक भी यूज कर सकते हैं। लगाने के बाद अंगूठे से इसको इस तरह से प्रेस करेंगे। देखें माशाल्लाह से कबाब की कितनी अच्छी शेप आई है। इसकी बैक साइड पर भी इसी तरह से अंगूठे की हेल्प से ऐसी शेप बना देंगे। देखें कबाब तैयार हो चुका है। अब इसको बिल्कुल इजीली रिमूव कर लेंगे। बहुत अच्छे कबाब बने हैं। अब मैं इनको फ्राई करूंगा। एक पैन में मैंने लिया है 3 टेबल स्पून ऑयल, उसमें ये कबाब ऐड कर देंगे। इसकी इसी साइड को 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। अब मैं इनकी साइड चेंज कर रहा हूं। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आया। अब इस साइड को भी 3 मिनट के लिए पकने देंगे। तीन मिनट बाद इसकी साइड चेंज करी है।
दूसरी साइड भी इसकी अच्छी तरह पक चुकी है। हमारे अदाना कबाब तैयार हो चुके हैं, अब हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज्यादा अच्छे बने हैं, बहुत ही टेस्टी हैं और चिकन का कीमा इसमें बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। कम टाइम में तैयार हो जाते हैं लेकिन जायके में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। इसके ऊपर मैं ऐड करूंगा अपनी होममेड चीज सॉस। चीज सॉस की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में भी दे दूंगा। इन्हें नान के साथ सर्व करें, नान भी मेरा होममेड है। नान की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, इसका लिंक भी ऊपर कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको तोड़ के देखते हैं, देखिए कितने अच्छे सॉफ्ट और जूसी बने हैं, माशाल्लाह से बहुत ही ज्यादा अच्छे बने हैं। अंदर से भी बहुत ज्यादा टेस्टी हैं, चीज और बारबेक्यू का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ रहा है। इस चीज पर अपने घर में जरूर ट्राई करिएगा, सभी को टर्किश अदाना कबाब बहुत अच्छे लगेंगे और एक यूनिक फ्लेवर भी मिलेगा। मेरी वीडियो देखकर जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसे लगे टर्किश अदाना कबाब। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।